इस बोल्ट सोलो की इस क्वालिटी देखिए, देखिए ये देखिए, ये इसकी क्वालिटी है, ये आप देख रहे हो स्टेंसिल्स। हल्का सा थोड़ा सा पुश करेंगे तो देखिए कि डुप्लीकेट स्टेंसिल्स है। अब आप सोचेंगे हमने कैसे परचेस किया है, यमाहा का ओरिजिनल स्टेंसिल्स है। ये देखो ये मैंने मोड़ा, ये देखो ये देखिए, ये मैंने मोड़ा, ये देखो कोई, ये देखो फिर से मैंने मोड़ा, ये देखो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेंसिल्स। अब देखो ये वाली स्टेंसिल देखिए, ये देखो ये जैसे मैंने मोड़ा, ये देखो तो देखिए यहाँ पर मेरी आईसी रिबॉल हो चुकी है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि स्टेंसिल्स पे एक मैंने वीडियो डाला कि अगर स्टेंसिल्स बहुत अच्छी होंगी तो आपका काम परफेक्टली वन तरी एक बार में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई दूसरे स्टेंसिल्स नहीं है तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम देखिए इससे पहले क्या तो हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं देवेंद्र अग्रवाल एसी टेलीकॉम चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आपको टेक्निकली जानने को मिलेगा कुछ स्टेंसिल्स के बारे में कि कौन कौन से स्टेंसिल्स मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपनी लैब में, और अपने स्टूडेंट को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि ये स्टेंसिल्स को परचेस करें। अगर वो परचेस कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो भी ये स्टेंसिल्स को परचेस करें। बेसिकली अभी बाज़ारों में दोस्तों स्टेंसिल्स बहुत सारी मिल रही हैं और अलग अलग कंपनी और ब्रांड की स्टेंसिल्स मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि स्टेंसिल्स क्या होती हैं। देखिए अगर जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जो मोबाइल रिपेयरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और जो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देखिए ये होती हैं स्टेंसिल्स। स्टेंसिल्स का मतलब ये होता है कि किसी भी आईसी को रिवॉल्व करने के लिए स्टेंसिल्स यूज़ की जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक MMC की BGA स्टेंसिल्स हैं, जिसमें सारे BGA आपके MMC के आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी एडवांस ये स्टेंसिल्स हैं और काफ़ी अच्छी ये स्टेंसिल्स हैं, काफ़ी और बहुत अच्छी एक जेन्युइन और ओरिजिनल स्टेंसिल्स हैं। और कहाँ से मैंने परचेस की है मैं सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि फ़ायदा आपका ही होगा, जानकारी आपको मिलेगी फ्री में, कोई आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे। कुछ आपको डोनेट या करने के लिए नहीं कहूँगा, आपको सिर्फ इतना है कि अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल में और नॉलेज लेने के लिए, कि आगे आपको नॉलेज मिलता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि क्योंकि मैंने ना बहुत सारे वीडियो अभी डालने हैं, एक मल्टीमीटर्स के भी मेरे कुछ वीडियो बचे हुए हैं और बहुत सारे जो मैं मोबाइल ट्रेनिंग से रिलेटेड टू वीडियो डालता हूँ, खुद के प्रैक्टिकल के वीडियो भी आपको मिलते हैं देखने को, और हमारे इंस्टीट्यूट के वीडियो और ओवरऑल एक मोटिवेशंस वीडियो भी मैं डालता हूं, तो वो भी आप इस चैनल पे फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों अगर लाइव देखना है, अगर हमारे एसी टेलीकॉम को ज्वाइन करना है, आपको एक इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है जो दावे करते हैं, जो पैसे वापस करने की बात करते हैं या जो कुछ भी करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बट हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो लाइव दिखाते हैं और जो आपके आने पर आपको पहले दिन से आखिरी दिन तक जीरो से रियल में हीरो बनाएंगे। भले ही आप ईटा उठाते हो या आप मोबाइल का काम करते हो, आपसे ये नहीं कहेंगे कि 30% आता है, 40% आता है, कितना, इतना है कि साफ कर देंगे और मार्केट में बिठाने लायक बनाएंगे ताकि आप काम करने लग जाओ। तो दोस्तों ये वीडियो स्टेंसिल्स का वीडियो है, तो आइए देखते हैं कि मेरे पास में कौन कौन सी स्टेंसिल्स हैं। और ये मैं बता दूं ये पूरा के पूरा अभी मैंने यूज़ नहीं किया, अभी बिल्कुल नया स्टेंसिल्स है और मैंने अभी सारे स्टेंसिल्स नए परचेस किए हुए हैं। इसके अलावा भी और अभी मैं जैसे कि एक सेट ही बना रहा हूँ, एक कूरियर से आया हुआ मोबाइल है, ये A50 का मोबाइल है और यहाँ पर, तो चलिए आइए दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जो स्टेंसिल्स परचेस करता हूं, जो मुझे स्टेंसिल्स पसंद है वो स्टेंसिल्स है अमाओ की। तो आप यहां देखेंगे ये ओरिजिनल अमाओ की स्टेंसिल्स हैं और मैंने जो स्टेंसिल्स परचेस किए हैं केवल CPU के स्टेंसिल्स परचेस किए हैं। मुझे पावर IC या नेटवर्क की कोई भी IC, WTR या SDR या कोई से भी एक आपकी सब पावर, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। वो मैं बहुत आसानी से, हम अपने स्टूडेंट को भी बोलते हैं कि यूनिवर्सल परचेस करो। ये देखिए सिर्फ CPU रैम की स्टेंसिल्स है, ये अमाओ की ओरिजिनल स्टेंसिल्स है दोस्तों, क्योंकि अमाओ में बहुत डुप्लीकेट माल आता है। ये देखिए ये आपको मिलेगा अमाओ की स्टेंसिल्स, तो यहाँ पर ये सिर्फ CPU की स्टेंसिल्स आपको दिखाई देंगी। ये भी देखें, देखिए आप फ़ोटो खींचते रहिएगा ताकि आपको स्क्रीनशॉट मिलते रहे,
किस किस की मैंने स्टेंसिल दी है, तो आप भी पर्टिकुलर उसकी स्टेंसिल्स परचेस कर सकते हैं। ये देखिए मैं नाम भी लेता रहूँगा यहाँ पर, ये है मीडिया टेक CPU का MU03, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आपको स्टेंसिल्स देखने को मिल रही हैं, ये अमाओ की स्टेंसिल्स हैं और ये जैसे यहाँ पर मीडियाटेक की स्टेंसिल्स हैं, स्टेंसिल्स 1, ये भी आप देखें मीडियाटेक की स्टेंसिल्स हैं, तो ये क्वालकॉम की स्टेंसिल्स हैं और यहाँ पर रैम और ये सब सीपीयू की हैं, लेटेस्ट CPU हैं सारे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्वालकॉम की CPU की स्टेंसिल्स मिलेंगी, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये मीडियाटेक के CPU की स्टेंसिल्स मिलेगी, ये आपको सैमसंग की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका सैमसंग के M30 या A50 या A30 के जो मॉडल्स आते हैं उसके ये हैं, ये है EU1 सबसे लेटेस्ट स्टेंसिल्स हैं। मैं इसके रेट भी आपको बताऊंगा, काफ़ी अच्छी और ये ओरिजिनल है। आप देखिए यहाँ पर बारकोड भी बना हुआ है, आप अगर मैं ये बारकोड सर्च करता हूँ और चेक करूँ, मैं अपना फ़ोन ले लेता हूँ तो देखिए कि जब भी हम स्टेंसिल्स परचेस करें तो देखते हैं ये बारकोड को सर्च करता है कि नहीं करता है। देखिए आप, तो यहाँ पर देखते हैं कि मेरा फ़ोन, ये देखिए तो यहाँ पर मेरे को जो वेबसाइट पे ले गया है वो काइंडली की वेबसाइट में ले गया है और यहाँ पर प्रोडक्ट वेरिफिकेशन बता रहा है थैंक यू फॉर चूजिंग काइंडली ये चैनल देखने का, और बहुत सस्ते रेट में दोस्तों, क्योंकि ये 250-300 रुपये में भी बिक रही है, ये मैंने परचेस की है बहुत ही कम रेट में। मैं क्या आपको, आपने थंबनेल तो देखा होगा, ये बहुत ही कम रेट में मैंने परचेस की हुई है। ये CPU की स्टेंसिल्स हैं, ये अमाओ, मैंने सारी अमाओ की स्टेंसिल्स परचेस करता हूँ। ये देखिए मटेरियल बहुत हैवी है, स्टेंसिल्स पतला नहीं होनी चाहिए स्टेंसिल्स, और दोस्तों ब्लैक और एक मिट है यूट्यूब में कि ब्लैक और सिल्वर स्टेंसिल्स में, सिल्वर में ऐसा होता है, ब्लैक में ऐसा होता है, बॉल्स नहीं दिखाई देते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लैक स्टेंसिल को बेचा जा रहा है सिर्फ ये बता के, देखो सिल्वर दाने दिखाई देंगे। अगर आप माइक्रोस्कोप से काम करते हो ना तो आपको सारी चीज़ दिखाई देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो कहने का मतलब ये है कि जो दुकानदार होते हैं उनको फुल पूरा नॉलेज कभी नहीं होता है, ना इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होता है, वो सिर्फ करते करते सीखते जाते हैं, करते करते सीख, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अधूरा ज्ञान के साथ करते हैं, कुछ मोबाइल बन गए कुछ नहीं बन गए, वो कभी R&D नहीं करते, ये कभी नहीं सोचते कि किसी फ़ोन में कोई सर्किट कैसे काम कर रहा है या क्या है, वो भी यूट्यूब देखते हैं और कॉपी करते हैं, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए मैं कभी भी किसी को ऐसा टारगेट नहीं करता, बट ये है कि अगर एक सही टेक्निकल नॉलेज बंदा किसी बात को कोई बता रहा है तो बिल्कुल समझा के, जैसे मैं अभी आपको बहुत अच्छे एक वीडियो देने वाला हूँ उसके बाद। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लैक स्टेंसिल से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास में माइक्रोस्कोप बहुत अच्छा है तो आप वो स्टेंसिल परचेस कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरी ऑलमोस्ट सारी अमाओ की स्टेंसिल्स हैं, ये मेरी ऑलमोस्ट सारी अमाओ की स्टेंसिल्स हैं यहाँ पर, और कुछ स्टेंसिल्स एक दो मैंने अलग भी परचेस की हैं, जैसे ये कैसी की स्टेंसिल्स है आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, तो कैसी की स्टेंसिल अमाओ की स्टेंसिल से तो इतनी बेस्ट नहीं है, आप देखो कि इसकी जो क्वालिटी है, और अगर मैं थोड़ा सा भी मोड़ूँ तो ये बहुत ज़्यादा मोड़ रही है, तो ठीक है मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बुरी होगी, ये अच्छी है, बट एज़ कम्पेयर विद अमाओ कैसी इज़ नॉट गुड, नॉट मच बेस्ट। अगर मैं बोलूँ कि ये सबसे अच्छी है तो अमाओ इज़ बेस्ट,
तो ये भी है, ये सब अमाओ की है। एक मैंने यहाँ पर मीजिंग की स्टेंसिल्स ली हैं ये देखने के लिए कि ये कैसी हैं। तो आइए पहला रिव्यू इस वीडियो में मीजिंग का। तो यहाँ पर आप देखिए कि मीजिंग की स्टेंसिल्स हैं और देखिए पैकिंग इतनी शानदार डाल दी है पूरी स्टेंसिल्स में, खाली एक स्टेंसिल्स में पैकिंग, और ये कभी भी कॉपी वाले कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना खर्चा कभी नहीं करते। तो यहाँ पर आपको एक बार कोड और एक स्लिप इस तरह से आपको दिख रहा है। तो मीजिंग की स्टेंसिल्स मैं कहूँगा बहुत अच्छी है, अमाओ से ही जैसी है और बहुत ज़्यादा। और ये है नोट 4 जैसे आपका जो सीपीयू है, और अगर उसमें मान लीजिए कई बार रैम भी आते हैं तो मीडियाटेक के साथ में रैम आ जाते हैं, 4S के साथ है और प्रो के साथ में वर्जन है। तो 8953 का ये स्टेंसिल्स है, काफ़ी अच्छा स्टेंसिल लगा मुझे। तो ओवरऑल मुझे स्टेंसिल्स ये बहुत अच्छे लगे दोस्तों। आइए एक को यूज़ करते हैं और रिवॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वन टाइम में काम कैसा हो रहा है स्टेंसिल से, तो हमको भी पता चल जाएगा। और अभी हम एक सीपीयू भी बना रहे थे फ़ोन का, तो आइए चलिए एक को रिवॉल्व करते हैं तो हमको पता चल जाएगा। तो ये हमारा A50 का सीपीयू है। इसके साथ में कुछ स्टेंसिल्स आपको आईफोन की भी दिखा देता हूँ, खैर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है सच बताएं तो, क्योंकि बेस्ट है हमारे लिए। दूसरा ये आईफोन की स्टेंसिल्स, आईफोन की स्टेंसिल्स भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये यूबी ग्लू के साथ में आता है, इसका काम बताऊँगा, बहुत अच्छा काम है ये यूबी ग्लू। जब हमारे नैंड या हमारी आईफोन के सीपीयू में जब हमें यूवी ग्लू लगाते हैं, जब स्क्रैचेस आ जाते हैं या आपस के गोले मिल जाते हैं, तो ये इस तरह से आजकल काफ़ी अच्छे प्रोटेक्शंस, यहाँ पे फिल्म देखी आप देख रहे होगे तो ये फिल्म का यूज़ करते हैं और इसके ऊपर यूवी ग्लू। तो पहले यूवी ग्लू लगाते हैं, उसके बाद फिल्म लगाते हैं, फिर उसको यूवी ग्लू से ढक देते हैं। काफ़ी अच्छा, इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो मैं डालूँगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत फ़ायदे में रहोगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको पूरा आईफोन का स्टेंसिल्स आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये देखिए, जैसे ये छोटे छोटे सीपीयू का स्टेंसिल्स हैं, ये छोटे छोटे सीपीयू का स्टेंसिल्स हैं, ये देखिए ब्लैक स्टेंसिल्स जैसे मैं बोलता हूँ। अब जैसे लोग कहते हैं कि ब्लैक स्टेंसिल्स अच्छी होती हैं और सिल्वर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो दोनों एक जैसा ही दिखेगा और सब वर्क करने पर है। तो लोगों को आसान वर्क चाहिए, मैं बोलता हूँ स्किल ले लो, हर चीज़ आसान लगेगी। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये देखिए ब्लैक स्टेंसिल, देखिए मैं यूज़ ही नहीं करता, रखा हुआ है इसके अंदर, ये देखिए यूनिवर्सल है, मैंने इसके अंदर डाल दिया, मैं यूज़ ही नहीं करता, रखा हुआ है इसके अंदर। ये 3D स्टेंसिल्स हैं, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा आपको दोस्तों क्योंकि इसमें काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर स्किल अच्छे से थोड़ा सा आप ले लेंगे तो आपको वन टाइम सीपीयू कोई सा भी स्टेंसिल में बन जाता है। ये 3D स्टेंसिल्स हैं, ये देखिए यह अमाउंट, ये नॉर्मल है, पीपी वोंग आप देख रहे होंगे एक कंपनी, बहुत ही चीप स्टेंसिल्स हैं। हर तरह की स्टेंसिल्स हमें परचेस करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं और हमें हर तरह का स्टेंसिल्स में बताना होता है क्या कौन सी बेस्ट है कौन सी बेस्ट नहीं है। आप देखो जैसे स्टेंसिल्स कैसी मुड़ी हुई सी दिखाई दे रही है, और यही होता है हाल कॉपी स्टेंसिल्स का। अगर आपकी स्टेंसिल बैंड हो रही है तो मतलब आप समझिए कि कॉपी स्टेंसिल्स हैं। ये आईफोन 6, ये आप देखिए, तो ये आईफोन का 8 प्लस के स्टेंसिल्स हैं, और देखिए क्या हालत हो गई है स्टेंसिल्स की। तो ये देखिए ये नैंड के स्टेंसिल्स हैं, सिर्फ नैंड के हैं, 6 से लेकर 7, और ये 7 की, और ये आपकी आईफोन की स्टेंसिल्स हैं। और इसके साथ में एक मैग्नेटिक भी आता है इस तरह से आईफोन को रिवॉल्व करने के लिए, ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो ये भी अच्छा है, इसको मैं प्रैक्टिकल इस पर ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं एक बार हमारा बिल्कुल न्यू ब्रांड स्टेंसिल से रिवॉल्व करके कि कैसा रिवॉल्व हो रहा है, तो हमको पता चलेगा, देखिएगा आप लोग। तो मैं बता दूं, ये फ़ोन मेरे पास आया था और डेड कंडीशन में, और ये इसका बोर्ड है,
ये इसका बोर्ड है, ठीक है। हमने सीपीयू निकाल दिया है और सीपीयू आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम रिवॉल्व करेंगे और देखते हैं कि वन टाइम में रिवॉल्व ये नई स्टेंसिल से कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर मेरी आईसी रिबॉल हो चुकी है, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि स्टेंसिल्स पे एक मैंने वीडियो डाला कि अगर स्टेंसिल्स बहुत अच्छी होंगी तो आपका काम परफेक्टली वन तरी एक बार में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई दूसरी स्टेंसिल्स नहीं है तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम देखिए इससे पहले कौन से स्टेंसिल्स यूज़ करते थे, हम आपको खुद बताते हैं। देखिए ये हमारी दूसरी स्टेंसिल्स है, अभी मैं आपको ये वाली स्टेंसिल दिखाया, ये जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये मेरी नई स्टेंसिल्स हैं, मैंने इसके सारे रैपर्स निकाल लिए। ये मेरी आईफोन की स्टेंसिल्स जो मैंने आपको अभी दिखाई, और ये स्टेंसिल्स हमारी पुरानी स्टेंसिल्स हैं एंड्रॉयड की, ये देखिए। और इस स्टेंसिल्स में आप देखेंगे, ये देखिए इसमें कुछ स्टेंसिल्स अमाओ की, देखिए वोल्ट सोलो की स्टेंसिल्स हैं, ये इसकी आप इसकी क्वालिटी देखिए, इस वोल्ट सोलो की क्वालिटी देखिए, देखिए ये देखिए ये इसकी क्वालिटी है, ये आप देख रहे हो स्टेंसिल्स। हल्का सा थोड़ा सा पुश करेंगे तो देखिए ये इसकी क्वालिटी है, स्टेंसिल्स नहीं है ये कचरा है स्टेंसिल्स के नाम पर। आप देखिए ये देखिए ये अमाउ की डुप्लीकेट स्टेंसिल्स है। अब आप सोचेंगे हमने कैसे परचेस किया है, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है और जब हम ऑनलाइन परचेस करते हैं तो कई बार डुप्लीकेट आ जाती है, इसलिए जेन्युइन बायर। ये देखिए थोड़ा सा आप देखिए मोड़ेंगे, ये देखिए ये दिख रहे हैं आपको, तो ये डुप्लीकेट स्टेंसिल्स है अमाउ की। अमाउ में डुप्लीकेट और नई का कैसा फ़र्क पता चलेगा, पहली बात मैं आपको बता दूँ, बायर्स जेन्युइन बायर से परचेस करो, हर किसी से परचेस मत करो, और गारंटी में परचेस करो कि भैया अगर ये डुप्लीकेट निकली तो वापस कर दे देंगे। दूसरा आप थोड़ा सा काम जानो उसके लिए, डायरेक्ट परचेस मत करो। अगर आपने कभी स्टेंसिल पे काम नहीं किया है तो आप फिर कभी भी सही और गलत में आप फर्क नहीं निकाल पाओगे। और इसके अलावा कैसे आपको पता चलेगा, तो रेट सस्ती स्टेंसिल्स अमाउ में 200 के नीचे कोई भी सेलर आपको अमाउ की स्टेंसिल्स नहीं देगा, 180 या 160 150 ऐसा मुझे नहीं लगता है मिलेगा। जनरली अमाउ की स्टेंसिल्स करें 250 300 220 200 बहुत मिनिमम 180, बट मेरे को लगता है 200 के अबव ही रहता है पर स्टेंसिल्स का रेट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको डुप्लीकेट कहीं ना ख़रीद लें, आप आपको अमाउ का ओरिजिनल स्टेंसिल्स परचेस करना। ये देखिए ये अमाउ का ओरिजिनल स्टेंसिल्स है, ये देखो ये मैंने मोड़ा, ये देखो ये देखिए ये मैंने मोड़ा, ये देखो कोई, ये देखो फिर से मैंने मोड़ा, ये देखो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेंसिल्स। अब देखो ये वाली स्टेंसिल देखिए, ये मैंने मोड़ा, ये देखो ये जैसे मैंने मोड़ा, ये देखो पूरी मुड़ गई, ये देखो ये देखिए। एक और अमाउ की दिखाता हूँ, ये देखिए ओरिजिनल, ये मैंने मोड़ा, ये देखो
तो आपको डुप्लीकेट से अपने आप ही पता चल जाएगी। तो आपको डुप्लीकेट परचेस करना है कि ओरिजिनल, ये आपके ऊपर है। सो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और इस वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और ऐसे ही जुड़े रहे चैनल के साथ, बहुत कुछ नया लेके आऊँगा। थैंक यू। सीपीयू से लेकर आपने लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर किया आपने। बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?